अब सेक्शन सी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन सेक्शन सी का, यहाँ पर आप देखिए वजह है कि सेक्शन सी के जो सवालात होंगे या क्वेश्चंस होंगे वो तीन तीन मार्क्स के होते हैं, ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स, राइट। तो 27th क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, दिस इज द 27th क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। यानी हमें यहाँ इसके जीरोज निकालने हैं, इस फिर वेरीफाई भी करना है उनकी रिलेशनशिप क्या है कोएफिशिएंट्स के साथ। ओके, ये है क्वेश्चन। फिर फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, राइट। वी हैव x² + 7x + 10, यानी ये इक्वेशन x² + 7x + 1। फर्स्ट वी विल फैक्टराइज दिस x² + 7x + 10। तो ये हम जब फैक्टराइज करेंगे तो x + 2 × x + ये कैसे फैक्टराइज होता है, इसके लिए मैंने अलहदा एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, या ये फैक्टराइजेशन अलग चैप्टर है, वहां पर इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सिर्फ जीरोज निकालेंगे, तो यहाँ पर x² + 7x + 10 इज इक्वल टू x + 2 × x + 5। सो द वैल्यू ऑफ x² + 7x + 10 इज जीरो। इसका वैल्यू जीरो कब होगा, जब x + 2 जीरो के बराबर होगा या x + 5 जीरो के बराबर होगा। यानी जब x + 2 जीरो के बराबर होगा तो जीरो से हम x + 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जीरो आएगा, या अगर x + 5 ही जीरो होगा तो उस जीरो से x + 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा द वैल्यू ऑफ x² + 7x + 10 इज जीरो व्हेन x + 2 इज जीरो और x + 5 इज जीरो। ओके, और विच इंप्लाइज टू x = -2। तो यहाँ से मुझे x = -2 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से x = -5 मिलेगा। दैट इज व्हेन x = -2 और x = -5। ओके, तो इस तरीके से मुझे दो जीरोज मिल गए। तो यहाँ पर इनको जीरोज कहते हैं। क्यों इनको जीरोज कहते हैं, क्योंकि जब हम इनका वैल्यू यानी इस एक्स का वैल्यू यानी -2 इसमें दे देंगे तो ये जीरो बन जाएगा, या अगर हम एक्स का वैल्यू -5 दे देंगे तब भी ये जीरो बन जाएगा। इसीलिए इनको जीरोज कहते हैं कि इनके वैल्यू देने से इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जीरो बन जाती है, इसलिए इनको जीरोज। देयरफॉर दैट इज व्हेन x = -2 और x = -5। ओके, अब रिलेशनशिप हम देखेंगे। देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, पहले हम इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस यानी -2 और -5, इनको हम ऐड करेंगे। सम ऑफ जीरोस वो हो गया -2 + ये -5, वो -7 आता है, ±-5 और ये -2 वो -7 आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -7/1, यानी नीचे में 1 लिख सकता हूँ। R which is equal to minus, ये अंदर 7 है, what is 7? Coefficient of x, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, ये 7 coefficient of x है, divided by coefficient of x² और x² का coefficient यहाँ पर देखिए 1 है, यानी इसके multiplication में 1 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा minus coefficient of x divided by coefficient of x² is equal to, coefficient of x को b कहते हैं, है ना, यानी ये b कहलाता है, तो -b और कोएफिशिएंट ऑफ x² a होता है, तो -b/a, यही रिलेशनशिप है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी इनका ज़र्ब, दैट इज -5 × -2, दैट इज 10, तो मैं 10/1 लिख सकता हूँ, 10/1 लिख सकता हूँ, दैट इज कांस्टेंट टर्म। ये 10 ये क्या यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आप, ये कांस्टेंट टर्म है। डिवाइडेड बाई 1, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x², इसीलिए यहाँ पर भी मैंने लिखा है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज c/a, कांस्टेंट टर्म c कहलाती है और कोएफिशिएंट ऑफ x² a होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा c/a। तो यही इनकी रिलेशनशिप है। तो हमने ये वो
रिलेशनशिप भी यहाँ पर वेरीफाई की, हाँ सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए आता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए आता है। ये तो हमें प्रूव करना था या वेरीफाई करना था। अगला क्वेश्चन, इसका और पार्ट ये भी हम सॉल्व करें। इसका और पार्ट डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई एक्स प्लस टू। ओके, 2x² + 3x + 1 पॉलीनोमियल को x + 2 से डिवाइड करना है और क्वेश्चन टू रिमाइंडर निकालना है। राइट, इसको भी हम डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई एक्स प्लस वन एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंड। 2x² + 3x + 1 ये यहाँ पर अब डिवाइड करूंगा एक्स प्लस टू से, तो एक्स प्लस टू यहाँ पर मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखिए, ये 2x² है, इस पर पहले हम गौर करेंगे 2x², इस बाकी को हम पहले हम छोड़ेंगे, क्या आएगा इसकी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, पहले हम इस पर गौर करेंगे। 2x² आना चाहिए, अगर x को मैं 2x से जरब दूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x² आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2x सिंपली। ओके, 2x 2x into x दैट विल बी 2x², That will be, ये 2x² आ गया। और 2x into 2 को भी जरब देना है, that is 2 into 2, that is 4x. Are you getting me? R which implies, यहां देखिए, इनकी साइन चेंज हो गई, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, और ये कट हो गई तो ये -4 बन गया, ये बड़ा है अब ये छोटा है, -4 से हम 3x निकालेंगे तो वहां पर -x रहेगा। ओके, तो यहाँ पर -x और ये +1 सीधा नीचे आएगा। अब यहाँ पर गौर करेंगे, इस x पर गौर करें, इस x पर -x पर गौर करें, ये कैसा है, ये कैसा है, इसको छोड़ेंगे फिर क्या आएगा, लेकिन इस पर हम गौर करेंगे, इसको हम खत्म करेंगे, वैनिश करेंगे। ओके, तो अगर मैं -1 से इसको जरब दूंगा, -1 इंटू एक्स वो -1 आए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर -1 लिखूंगा क्योंकि ये आना चाहिए -x, ये आना चाहिए यहाँ पर, ठीक, तो मैं -1 से -1 इंटू एक्स दैट इज -1, -1 इंटू 2 दैट इज -2। ओके, साइन इनकी चेंज होगी, ठीक है, अब -x और -x कट होगा, राइट, और ये अब इनका जमा हो जाएगा, अब ये +2 है, ये अब ऐड होंगे +2 और +1, ठीक है, ये 3 आए, दैट मीन्स 3 हमारा रिमाइंडर आ गया। ओके, तो देयरफॉर क्वेश्चन इज 2x - 1, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है, 2x - 1 यहाँ पर क्वेश्चन, एंड रिमाइंडर क्या आएगा, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, और रिमाइंडर मेरा 3 आ गया। राइट, अगला क्वेश्चन 28th क्वेश्चन, ये सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान दीजिए आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात हो, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, 7x - 15y = x + 2y = 3। ओके, यहाँ पर मेरे ख्याल में मैं सेकंड इक्वेशन लूंगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट रखूंगा ना, वो इसका वो मैं सेकंड, यहाँ पर मैं सेकंड इक्वेशन ले लूंगा पहले इस, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू निकालना आसान रहेगा बनस्बत फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन आई विल राइट हियर, फ्रॉम सेकंड वी हैव x = 3, ये +y + 2y यहाँ आएगा, ये -2y बन जाएगा, तो मेरा x का वैल्यू निकला 3 - 2y, इसको मैं थर्ड नाम रखूंगा। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन से निकाला और इस एक्स का वैल्यू अब फर्स्ट में देना है, सेकंड में अगर हम दे देंगे तो गलत होगा क्योंकि सेकंड से हमने निकाला, तो इसको आप फर्स्ट में देना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट वी है, फर्स्ट में दे देंगे, 7 × x की जगह पर 3 - 2y आएगा, माइनस और ये 15y ऐसा ही रहेगा = 2। ओके, अब 7 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 = 21 एंड 7 × 2 = 14y -15y, राइट, अब ये -14y और -15y ये ऐड हो जाएगी, लाइक टर्म्स है, तो 20 ये हो जाएगा 14 और 15 -29y = 2, और ये 21 इधर आएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, और 29y = -19, और y = -19
डिवाइडेड बाई माइनस 29। ये माइनस और ये माइनस खत्म होगा तो हमारा वाई का वैल्यू 19 डिवाइडेड बाई 29 आ रहा है, राइट। अब वाई का वैल्यू हम किसी भी में दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं और इसमें भी दे सकते हैं, यहाँ हम आजाद है। यहाँ ज्यादा बेहतर रहेगा अगर हम थर्ड में दे देंगे, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है, ये नेसब सॉल्व किया हुआ है तो इसमें देना ज्यादा बेहतर रहेगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई इन सेकंड इक्वेशन, ओके, तो हम इस सेकंड में दे देंगे, थर्ड में भी दे सकते थे, फर्स्ट में भी दे सकते हैं, चलिए मैंने सेकंड में दे दिया। वी हैव एक्स प्लस टू इंटू 19 डिवाइड बाई 29, एक्स प्लस टू इंटू वाई इन प्लेस ऑफ वाई 19 डिवाइड बाई 29 इज इक्वल टू 3, और विच इंप्लाइज टू ये 19 इंटू 2 हो गया 38 डिवाइड बाई 29 इज इक्वल टू 3, और एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस यहाँ आएगा ये 38 डिवाइड बाई 29 वो नेगेटिव बन जाएगा, और x इज इक्वल टू 87 माइनस 38 डिवाइड बाई 29, यानी 29 इंटू 3 87 माइनस 38 डिवाइड बाई 29 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जरिए ये मैंने यहाँ पर निकाला, और x इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 29। तो इस तरीके से हमने x और y का वैल्यू निकाला बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब 29th क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस इक्वेशन के 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 किसके जरिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए इसके रूट्स निकालने हैं। वी नो द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, where a is coefficient of x square, b is coefficient of x, and c is the constant term. ये quadratic formula है, क्योंकि इस question में हमें यही कहा गया है कि by using the quadratic formula, find the roots of the given equation 3x square minus 5x plus 2. इसलिए मैंने पहले यही लिखा कि इसी के साथ तो यहाँ पर हमारा वास्ता है, ये तो हमें याद होनी चाहिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो मैंने पहले ही ये यहाँ पर लिख के रखा ताकि मुझे पता चले ए बी और सी। चले मैं इसको यहाँ पर लाके रखता हूँ, ओके, तो इसको मैं यहाँ रखूँगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हियर ए इज इक्वल टू, वी हैव ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू माइनस 5, सी इज इक्वल टू 2, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए 3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस 5 यानी बी, एंड सी इज कांस्टेंट टर्म दैट इज 2। पहले हम ये डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, अंदर वाला ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम पहले निकालेंगे, आसानी हो जाएगी हमारे लिए, पहले इसको सॉल्व करेंगे बाद में इनका वैल्यू देके हम वैल्यू निकालेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा therefore discriminant is equal to b square minus 4ac or d is equal to in place of b minus 5 square minus 4 into in place of a that is 3 into in place of c that is 2, right, or which implies to minus 5 square is 25। क्यों? क्योंकि जब पावर में इवन होता है तो अगर अंदर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, तो ये अंदर नेगेटिव है माइनस 5 तो पावर में इवन है तो ये 5 5 25 पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, और d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 25 में से 24 निकालेंगे तो 1 रहेगा। अब मैंने इसको हम 1 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्यों मैंने लिखा ताकि यहाँ पर मुझे जरूरत आएगी, ये स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे लिए आसानी बन जाएगी। यहाँ पर मैं पहले आपको याद दिलाऊँ, अगर यहाँ पर ऑड होगा तो फिर ये नेगेटिव ही होगा, यानी अगर ये 3 होता तो ये क्या आता, 5 5 25 इंटू 5 हो गया 125, वो नेगेटिव आता, लेकिन यहाँ पर इवन है इसलिए ये पॉजिटिव आ गया, ऑड अगर होता तो ये नेगेटिव ही होता, ठीक है। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, वैल्यू दे दीजिए इन प्लेस ऑफ बी माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो यहाँ पर है 1 निकाला मैंने तो 1 का स्क्वायर, राइट, और विच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू
माइनस माइनस प्लस फाइव प्लस माइनस स्क्वायर और रूट कैंसल वन डिवाइड बाई सिक्स और विच इंप्लाइज टू एक्स का फाइव प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स एक वैल्यू एक प्लस वाला तो दूसरा माइनस वाला फाइव प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स एक ये और दूसरा माइनस वाला फाइव माइनस वन डिवाइड बाई सिक्स और विच इंप्लाइज एक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाई सिक्स एंड एक्स का टू फोर डिवाइड बाई टू तो यहाँ सिक्स और सिक्स कैंसिल होगा यहाँ से वन निकलेगा और एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू यहाँ टू टू आर फोर टू थ्री आर सिक्स टू बाई थ्री एंड एक्स का टू बाई थ्री ये दो वैल्यू मुझे मिल गई एक्स के। इस तरीके से हमने दो रूट्स निकाले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय अप्लाइंग दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा।